हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू लेर्थ एजुकेशन। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी ग्रेड वन में पूछे गए थे। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ाम्स में रिपीटेटिव आते हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, पहला देखिए, सबसे मेन चीज़ रहती है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, बहुत सारे लोग ग्रामर सभी लोग पढ़ा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, वो सब अलग बात है, लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आप एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरीके से उसको इजी वे में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम लिखा है लेट देयर बी नो बैड ब्लड बिटवीन द टू रॉयल फैमिलीज़। तो यहाँ पर लिखा है बैड ब्लड, तो बैड ब्लड जो है ये एक तरह से एक ईडियम है, एक मुहावरा है, और सामने वाले ने दिया भी है कि चूज़ द बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द हाईलाइट ईडियम और फ्रेज। ठीक है, तो इसने लिख के दिया है कि ईडियम फ्रेज हमने पूछा है, और ईडियम है इसमें बैड ब्लड। तो बैड ब्लड का मतलब होता है कि इल फीलिंग्स बिटवीन टू पर्सन्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इल फीलिंग्स। ठीक है, ये देखिए इल फीलिंग्स। अगला है न्यूज़ कॉमेंटेटर सुनील टंडन हैड टू येल टू बी हियर्ड अबाउट द हुबुबु। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वर्ड दिया है आपको अंडरलाइन करके, हुबुब। ठीक है, और इस वर्ड का मीनिंग क्या, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड वोकैब में आता है। ठीक है, इसका मीनिंग यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो होता है कि नॉइज़ एंड कन्फ्यूज़न। ठीक है, नॉइज़ एंड कन्फ्यूज़न, हुबुबु का मतलब होता है कि शोर शराबा आवाज़ और उसी में कन्फ्यूज़न पैदा होना। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या आ रहा है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आइदर रमेश और हिज ब्रदर, और ये सिंटेक्स से लिया हुआ क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आता है ना। अब यहाँ पे देखिए, आइदर रमेश और हिज ब्रदर, इसमें आइदर और वाला कंसेप्ट है। ठीक है, इसमें पीछे वाले को देख हम देखेंगे हिज ब्रदर को, तो हिज ब्रदर इज सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के हिसाब से वर्ब सिंगुलर आएगी, तो ये प्लूरल 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 हट जाएगी, तो बचेगा क्या इज, तो इसका सही जवाब होगा इज। ठीक है, अगला देखिए, अगला बोला गया है कि चूज आउट ऑफ द फॉलोइंग फोर ऑप्शंस चूज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस। आपको इनकरेक्ट सेंटेंस ढूंढना है इन चारों में से। तो देखिए, इनकरेक्ट सेंटेंस मेरे को सामने दिख रहा है, और वो ये कि यहाँ पे लिखा है अ लेडीज़। तो बताइए क्या अ लेडीज़ होता है क्या? अ लेडी जरूर होता है, लेकिन अ लेडीज़ तो नहीं होता है। तो इसका मतलब कि ये जो है आपका क्या है, ये गलत आंसर है। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा सेकेंड। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन वापस से पूछा है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। ये एवरी का कंसेप्ट है, और एवरी जब भी कभी किसी सब्जेक्ट के साथ होता है तो वहाँ पर वर्ब जो होती है वो क्या होती है, सिंगुलर, और इसको देखते हुए हैव हट जाएगा, वर हट जाएगा, आर हट जाएगा, तो बचेगा क्या वॉज। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन तो यहाँ से सिंटेक्स से पूछा हुआ था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन वापस से सिंटेक्स से पूछा हुआ है यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये ईडियम पूछा हुआ है, और ये भी ईडियम है, तो आपके जनरली ईडियम वगैरह ये 8 क्वेश्चन वाला पेपर है। ठीक है, फिर इसके अलावा एक ये आ रहा है जिसमें कि आपको जमाना है, तो एक भी अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपका इजी वे में हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मैंने लास्ट में बताया था। अब एक क्वेश्चन ये देखिए कितना इजी है, वी ईट, वाई वी ईट, वी ईट, सॉरी ब्लैंक दिया है, तो सो एज टू बी लिविंग, सो दैट टू लिव, सो दैट वी मे लिव या टू लिव। तो ये मैंने आपको मॉडल वर्ब में बताया था कि वी ईट तो अगर आएगा तो इसके साथ हम लगाएंगे सो दैट वी मे लिव। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए, तो आई थिंक आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इस टाइप का पेपर आ रहा है, मतलब कि इजी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, और जो ग्रेड टू की अभी तैयारी कर रहे हैं उनके 30 में से 29 तक नंबर लोग लेके आ रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपका इजी वे में हो जाएगा। बस आपको सभी चैप्टर को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। ज़्यादातर आप पढ़िए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब सिंटेक्स, दूसरा पढ़िए टेंस, तीसरा पढ़िए वॉइस, और चौथा आप पढ़िए नरेशन। इन चैप्टर्स को आपको पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।